अभी अभी मैं घर पहुंचा था तो मुझे याद आया कि एक और फैमिली है जिसने आज मुझे दावत दी है, और बड़े दिलचस्प लोग हैं और तीनों ही टैलेंटेड लोग हैं। उनके पास मैं जा रहा हूं। उन्होंने 8 बजे की दावत दी थी। भाई अल्लाह का शुक्र है, ऊपर वाले की करम नवाजी है, बहुत लोग प्यार दे रहे हैं, बहुत इज्जत मिल रही है, और मैंने इतना सोचा भी नहीं था जितना वो प्यार दे रहे हैं। अभी उनके पास टाइम रखा हुआ था मेरा शाम का, तो शहर से मैं जैसे ही आया था मैं भूल गया था कि मुझे कोई जाना भी है, और अब उन्होंने दोबारा याद दिलाया है तो मैं घर को लॉक करके चाबी पड़ोस में उधर दे के और निकल जाऊंगा। यहाँ से 5 मिनट की ड्राइव पे हैं, और ये पता नहीं दरवाज़ा कैसे बंद होगा। हाँ हो गया बंद। नहीं 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 खुलेगा अभी। हाँ बंद है बंद है। तो उनके पास जा रहा हूँ और आपको उनका टैलेंट भी दिखाता हूँ, कितने काबिल लोग हैं और क्या काम कर रहे हैं, ये आप जान के हैरान रह जाएंगे। तो चलते हैं उनके घर मिलते हैं। तो भाई मैं पहुंच गया हूं अब बिल आखिर हमारे पड़ोस में। 4 मिनट की ड्राइव थी, 4 मिनट की ड्राइव थी अपने घर से यहां पहुंचा हूं। और ये 3 आर्टिस्ट इस घर में रहते हैं। इन्होंने दावत दी थी मुझे बहुत दिल से, तो मैंने कहा मैं आऊँगा। अभी मेरे पड़ोस के समझेंगे, जहाँ मैं रह रहा हूँ उसके पड़ोस में रह रहे हैं AQ RF साहब। ये आर्टिस्ट हैं, उनकी वाइफ भी आर्टिस्ट है और उनका बेटा भी आर्टिस्ट है। उनका ये खूबसूरत घर है और ये नेबरहुड भी बहुत ज़बरदस्त है। इस नेबरहुड में ये रहते हैं। तो मुझे नंबर जो बताया, तो अभी घर पे पहुंचा हूँ, देखते हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम साईं भाई, क्या हाल है? ठीक है, गुड। ठीक ठीक है, आइए। थैंक यू, आपने दावत दी हमें। सर ये माशाल्लाह क्या है? एक साथ ये क्या है? ये तो हमारा एक समझे, जो हमारा काम हम करते हैं उससे रिलेटेड कुछ, हम अपनी फ्रेमिंग और सारा समझे स्टोरेज की तरह हमने सब किया हुआ है। सर आपने बनाया? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा। बाकी तो हमारा स्टूडियो अंदर है, अब दिखा दे थोड़ा सा। ये सी पेंटिंग है, ये हमारी मिसेज हैं मुसर्रत, उनका काम है। अच्छा, टेलीग्राफी जी हाँ उनकी। आप देखें पेंटिंग भाई जी तो कितनी जबरदस्त। ये कैलीग्राफी है जी? ये कैलीग्राफी है और ये सारा पैटर्न और डिजाइन सा, जी ऑयल ऑन कैनवस है। माशाल्लाह। तो ये इनका खास एक स्टाइल है जिसमें ये करती हैं, और सिल्वर लीफ और सारी चीज़ इसमें ऐड होता है, और फिर फ्रेमिंग के बाद फिर उसको डिस्प्ले किया जाता है। ये तो बड़ी महंगी पेंटिंग है। हाँ बस ये आर्ट की प्राइस होती है, जरा ज्यादा होती है मुख्तलिफ। इसमें टाइम कितना लगा होगा? टाइम इसमें हाँ तकरीबन 2 हफ्ते 3 हफ्ते कभी महीना भी लग जाता है, डिपेंड करता है कि कितनी डिटेल है, साइज़ क्या है, और मूड भी बड़ा आर्ट का आपको पता है। हाँ ये तो असल चीज़ मूड ही है। तो अजी से भी मुलाकात हो जी जाएगी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। अजी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल? खुश आए हो? अच्छा किचन में आए? हाँ ना तानी बड़ी मेहरबानी भाई, क्या हाल है? तबीयत ठीक है? ये भी आर्टिस्ट है भाई। हाँ 3 आर्टिस्ट एक जगह पे आपको नहीं मिलेंगे कहीं भी। हाँ ये तो अगर मिलने तो अमेरिका आना पड़ेगा। नहीं अब लाहौर भी आ रहे हैं शायद। जी हाँ लाहौर तो में एग्जीबिशन है। अच्छा, और बस उसकी तैयारी है पाकिस्तान जाने की, नवंबर के मिड में इंशाल्लाह घूमने फिरने जा रहे हैं साइबेरिया के। वो तो इतना नहीं होगा मुझे लगता, शायद एग्जीबिशन हमारा हर साल वहाँ शो होता है साल के आखिर में, तो उसकी ट्रैवलिंग होती है तो वो काफ़ी हेक्टिक भी हो जाती है, वहाँ जाना फिर एग्जीबिशन करना। ये आपने बनाई है? ये इनका है, फिगरेटिव। अच्छा, काम इनका होता है। साई का तारुफ तो करा दे। साई नालो जामार। जामार बड़ा मुश्किल नाम है। ये भी आपने बनाई? ये मेरी है। अच्छा जी जी। ये लाहौर है क्या? ये ओल्ड आर्किटेक्चर जैसे पुराने शहर होते हैं उनकी इमेजिनेशन को करके। कराची का हाल तो बुरा है, ये लाहौर ही लग सकता है। हाँ जाहिर बात है वो क्राउडेड इतना हो गया है, हर चीज इतनी हो गई, तो मतलब पॉल्यूशन है पता नहीं, धुंधली धुंधली चीजें हैं। अच्छा असल में वो पेंटिंग को जिस तरह से किया जाता है ना उसमें थोड़ा सा हमारे जो जिस तरह का एनवायरनमेंट है उन्हीं को ही आप खुद ब खुद आ जाती चीजें काम के अंदर आपकी। तो ये वो और दिखा दें जी जी। वो ये क्या है? तस्वीरें। अवार्ड मिले हैं क्या आपको? जी हाँ ये सिविल अवार्ड प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला था 2020 में। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया था, तो एक अचीवमेंट होती है किसी भी आर्टिस्ट की, जबरदस्त उसकी तस्वीर है यादगार। अच्छा जी, इमरान इस्माइल साहब से लिया था? जी जी, गवर्नर हैं उस वक्त, गवर्नर थे ये आरिफ अलवी साहब। जी जी, अच्छा। आरिफ अलवी साहब ने जो है वो
माशाल्लाह। असल में वो सदर का होता है अवार्ड जो गवर्नर और वो देते हैं। हाँ बिल्कुल, सूबे में गवर्नरी हाउस में तकरीब होती है। ये मेरी वालदा है, उनके साथ मेरी तस्वीर है जब पाकिस्तान में हम थे। माशाल्लाह आपने तो अवार्ड भी ले लिया, सब कुछ बाकी बचा क्या है? बस ये पाकिस्तान की मेहरबानियां हैं, मैं उन्होंने इस काबिल समझा। जी मेरी पेंटिंग है ये, बल्कि एग्जीबिशन की ही पेंटिंग है, साइज भी इसका काफी बड़ा है। असल में ये बलोच ट्राइब है क्या? हाँ, ये पुराने जो पुराने मुगल एरा के जो लोग थे, जिस तरह का उनका होता था सारा। तो अगर ये अगर तस्वीरें वैसे मार्केट में खरीदें तो ये 2.5-3 लाख रुपए की तो एक एक होगी मेरे ख्याल में। हाँ ऑलमोस्ट इतनी भी होती है, इससे ज्यादा भी होती है। घर का खर्चा बच गया ना डेकोरेट करने, फ्री में लग गई, आयतें लग गई। हाँ लेकिन हमारी पेंटिंग मसला है, घर में रुकती नहीं है, जो बनती है वो चली जाती है और कभी मुश्किल से रोकनी पड़ती है। रोकनी पड़ती है कि हमारी जो पेंटिंग है वो थोड़े दिन ये हम एंजॉय करते हैं इसको, फिर जब एग्जीबिशन हो जाती है तो फिर वो चली जाती है। लड़के हमने रखवाई थी घर के अंदर। अच्छा ये वाली? हाँ हमारी, हमारे लिए रखे हैं। सही। तो पाकिस्तान में हमारे पास घर में काफ़ी मेरी अपनी कुछ रखी हुई पेंटिंग्स, जो कि वो भी बच्चों ने और बेगम ने कहा कि नहीं ये किसी को देनी नहीं है, तो वो वहाँ पर रखी हुई हैं, वो मैं नहीं सेल करता, लेकिन बनती रहती हैं, चली जाती हैं। वो बात वही है कि अगर आप अपने काम को अपने घर में रखते जाएंगे तो अगर आप उस पर इन्हिसार कर रहे हैं प्रोफेशनली आप सब चीज़ें, तो फिर कैसे चलेगी चीज़ें। तो तीन आर्टिस्ट आपस सारा दिन घर में रहते हैं, क्या बातें होती हैं? सिर्फ पेंटिंग आर्ट पर बात होती है हमारे पास। दूसरे हमारे बच्चे जो हैं वो बाजा उकता जाते हैं, आप लोग को और कोई काम ही नहीं है, सिर्फ ये बात करते हैं। तो झगड़े में भी कलर लग रहे होंगे। हाँ चले रहे दिखा। ये अभी हम स्टूडियो में जा रहे हैं। माशाल्लाह आपने इतना गैरेज में बनाया। वाह जी जी, हमने गैरेज में बनाया और ये सारा आर्ट का जो सही एनवायरनमेंट है ना वो हम आपको यहाँ मिलेगा, इसलिए हमारा ज़्यादा टाइम जो है ना वो इस कमरे में ही गुजरता है। अच्छा। और सारा वक्त इसी में कलर की खुशबू, कलर की खुशबू है और आर्ट के साथ हमारा इतना ज़्यादा है कि अगर हम ना आए ना अगर एक दिन इस कमरे में तो हमारा लगता है दिन गुजरा ही नहीं है। तो ऐसा कम होता है वैसे, लेकिन कभी कभार कहीं आप कहीं गए। मेरा आना आज जो है, मैं इतने दिनों से मिल रहा हूँ लोगों से, सब कुछ हो रहा है, दिल से मोहब्बत दे रहे हैं, लेकिन आर्टिस्ट लोगों की ये चीज़ें देख के मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है। सही बात है। और ये सारी तस्वीरें भी अभी मरहले में, ये मरहले में है, कुछ हम लोग करते हैं, कुछ लगा देते हैं, देखते रहते हैं उसको, ताकि आप ये सेम बना रहे हैं क्या? नहीं, या अलग है? थीम वही है, ये पुरानी पेंटिंग है। अच्छा। ये असल में मैं इसलिए भी रखता हूँ कि आपको कभी पुरानी चीज़ें याद रखने के लिए आसानी रहती है, आप नया काम जब करते हैं जी, उसमें आपको हेल्प मिलती है कि आपने किस तरह उसको ट्रीट किया था। बाज़ जब आप अपने रास्ते से हटने लगते हैं तो आप पुराना काम भी देखते हैं कि यार मैंने इसमें किस तरह ट्रीट किया था। लोग जो है यहाँ गैरेज हो कुछ भी हो ना, वहाँ कोई चीज़ छोड़ते नहीं, हर चीज़ वहाँ घुसा देते हैं। ये पहले लोग इन्होंने कलर के लिए इस्तेमाल किया, वरना इधर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। बिल्कुल। और किचन बनाए हुए हैं, किचन बनाए हुए हैं, बेडरूम बनाए हुए हैं, और कुछ लोगों ने तो बेडरूम किराए के लिए रखा हुआ है गेस्ट के लिए, लेकिन आपने इतना बड़ा स्पेस सिर्फ कलर और पेंटिंग के लिए रखा। असल में हमारा है ही ना ये ब्रेड बटर, यही हमारा, हम काम करते हैं और हमारा शौक भी है ये, हम अल्लाह ताला ने इज्जत भी इसी वजह से हमें दी हुई है, तो हम बार बार इस पर तवज्जो देते हैं। तो अब आप ये बताएं कि आप असल पैदाइश कहाँ की है? पैदाइश मेरी कराची की है और बेगम भी मेरी कराची में पैदा हुई है। हम लोग कराची के सिंधी आप? हाँ ये और बात है, बेटा भी सिंधी बोल रहा है, हमारे सिंधियों के सिंधी बच्चे नहीं बोल रहे, आपके बेटे भी सिंधी बोल रहे हैं। नहीं ये तो मेरी वालदा ने बहुत उनको शुरू में इनकरेज किया था कि बच्चों के साथ आप अपनी ही जबान बोले, ताकि उनको एक लैंग्वेज एक्स्ट्रा हो जाए, बाकी तो सब चीजें आप सीख ही लेते हैं। उर्दू वालदा की है? मेरी वालदा असल में वो उर्दू उनको बहुत पढ़ने लिखने का शौक है, लिखती रही है, तो इस वजह से उन्होंने समझदारी का काम किया और प्रेशराइज नहीं किया कि आप जो है उर्दू ही बोलेंगे। बाकी अंग्रेजी उर्दू तो आप सीख लेते हैं एनवायरनमेंट में, लेकिन आपकी अपनी जो लैंग्वेज होती है घर की, वो उसकी बात और होती है। जबरदस्त। तो हमें अच्छा लगता है, अब तो मैं भी सिंधी हो चुका हूँ पूरा। नहीं आप हैं, ये क्या बात है, आप कहाँ हिजरत कर सकते हैं? कहीं नहीं जा सकते। जब आ गए तो आ गए, अब तो अदी से भी थोड़ा सा बात है। अदी छा हालत है जो, अदी आप भी आर्टिस्ट हैं? जी बिल्कुल। और क्या काम आप कर रही हैं? मैं पेंटिंग कर रही हूँ और अब मेरे ख्याल से 25 साल हो गए इसी फील्ड में। अच्छा। और मेरा जो सब्जेक्ट है वो कैलीग्राफी है। अच्छा। और उसमें लेकिन खत्ताती को मैंने फिर पेंटिंग के साथ मर्ज करके ऑयल पेंटिंग और सारे जितने भी पुराने और आग थे पुरानी उनकी इंस्पिरेशन थी मुझे, तो उसी को लेते हुए फिर मैंने काम में कोशिश की। कितनी पेंटिंग्स अब तक बना चुकी हैं? हज़ारों होंगी। दे दी हैं? हाँ सर, ये भी सब ऑर्डर का है,
माशाल्लाह पे कीमत तो नहीं पूछ सक रहा, हदिया जो है वो उसमें जाती है चीजें। हाँ बस लोगों को जो पसंद है तो बस अल्लाह के नाम की बरकत है तो इस काम। ये तो बड़ा मुश्किल काम आपने चूज किया, वजह क्या थी, किससे इंस्पायर हुई? किससे? मेरे ख्याल से एक आर्टिस्ट अपने ही उससे जहाँ उसको सुकून मिलता है, और मुझे शायद ये करके सुकून मिल रहा था। जब स्टार्टिंग मेरी ग्रेजुएशन हुई थी तब मैंने शाब्दुलती बिटाई की, सूफीज़म जो उनका सारा सब्जेक्ट था, पोइट्री थी, तो उसको मैंने फॉलो किया था। वो ससी पुनू और वो सब, उनको मैंने कॉन्सेप्चुअल सारा काम किया था। तो थीम वही चल रही थी, अल्लाह और इंसान का जो ताल्लुक है, तो बस वही करते करते और फिर इस तरफ आए। और अभी जो मेरा नेक्स्ट शो है वो कुछ और चेंज है। अच्छा। अगर अभी जो इंशाल्लाह चौकंडी में कराची में शो है तो लोग देखेंगे कि मैंने अब किस तरह से काम को लिया है, अपनी एक आइडेंटिटी को लेके, कि साउथ एशियन आर्टिस्ट और अपना सिंध से मेरा जो ताल्लुक़ है, तो सारा काम मेरा उसी थीम पे, मोहनजोदड़ो और अपनी जो कल्चरल चीज़ें हैं उनको लेके, और फिर अपना स्पिरिचुअल लेके कंटेम्प्रेरी आर्ट की तरफ चला गया काम। तो जो चीज़ें हमने खुद तबाह कर दी आप उसको आर्ट में ज़िंदा रख के बैठी। हाँ, तो अभी बस वो जो शायद हिस्ट्री से भी पहले से ही बहुत ज़्यादा लगाव था, और वही सारी चीज़ें तो जो है। आपकी पैदाइश कहाँ हुई, आपके वालदेन? मेरी पैदाइश कराची की है, लेकिन मेरी वालदा ठट्टा की है। अच्छा। तो ठट्टा भी आपको पता ही है कि उस जमाने मेरा सेकंड शहर है। हाँ, तो वहाँ के जो पहले दौर में वो सबसे ज़्यादा मेन एजुकेशनल लिहाज से या दारुल खिलाफा होता था उस ज़माने में, सबसे बड़े बड़े मदरसे, लाइब्रेरीज होती थी। अब तो बड़ा कब्रिस्तान अब तो हाँ, तो वो उसकी तो अपनी एक बात है, उसकी अपनी एक हिस्ट्री है, फिर अपनी सिंध की, अपनी इंडस की जो हिस्ट्री है। ठट्टा शहर से थी वालदा? जी। वालिद साहब? वालिद साहब वो शुरू कराची से थे, बॉम्बे से उनका बिजनेस था, आना जाना रहता था, तो थी तो वही। वो भी उर्दू स्पीकिंग? नहीं, वो भी सिंधी। सिंधी थे? सिंधी थे। अच्छा, तो उनके बचपन से आपने ये सारी चीजें सीखी, शाबलती बिटाई सब? जी, वो बहुत स्पिरिचुअल थे, वो हर वक्त इन्हीं के बारे में बात करते थे, और हिस्ट्री आर्ट बचपन से हम यही सुनते थे। वो थे अपना कारीगर टाइप लोग थे, और मतलब वो फर्नीचर का काम करते थे, तो बचपन से हम लोग फैक्ट्री जाते थे, वुड का काम करना, फिर वो पर्सपेक्टिव ड्राइंग्स, तो हर वक्त ये बातें घर में सुनते थे और कर रहे होते थे। तो वो चीज़ें जो सीखी शायद अंदर एब्जॉर्ब हो रही थी। वालिद की तो बहुत पहले डेथ होगी, लेकिन वो जो बचपन की चीज़ें एब्जॉर्ब हुई वही शायद अब सारी चीज़ें निकल उनकी, आपने समझेंगे एक हसरत या उनकी ख्वाहिशों को आपने इसी इस तरह से। तो बस, और अल्लाह का शुक्र है आरिफ से शादी हुई तो मुझे ये साईं काम मिल गए। मिल गए कराची स्कूल ऑफ आर्ट, बहुत पुराना इंस्टीट्यूट है कराची का, 1964 में बनाया था मंसूर राही साहब ने, राबिया जुबैरी उसकी फाउंडर, अभी हाल ही में उनका इंतकाल हुआ। बहुत ज़बरदस्त, नाजमाबाद में उन्होंने खोला था, हमने 92 में फिर मैं कराची स्कूल ऑफ आर्ट गया था, तो ये भी वहाँ पहुँची हुई थी, तो वही मुलाकात हुई, फिर हम साथ पढ़ रहे थे, फिर शादी की हमारी हुई 96 में पास आउट किया हमने। तो बस जब से हम साथ हैं, और मैं फिर ये घरदारी में लग गई, तो मैंने उनको कहा कि अब पेंटिंग करो, इसलिए कि तुम आर्टिस्ट हो, आर्टिस्ट को रुकना नहीं चाहिए। तो माशाल्लाह से जब से कर रही हैं, ये भी 25 साल इनको हो गए। तो प्रपोज आपने किया या कोई? मैंने किया, जाहिर बात है आपको पता ही है, बड़ी हिम्मत की आपने। मुश्किल काम था, लेकिन फिर आपने रोका नहीं सिंधी बोलने से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, असल में चीज़ों को अहमियत ही नहीं थी ना, कि आप जहन में बात ही नहीं आई कि कोई लैंग्वेज का कोई मसला, कोई बैरियर है, कुछ भी नहीं है। तो असल में जो आपके अगर जहन मिलते हो तो फिर उनको साथ रहना चाहिए। और इसमें बड़ा हाथ इनकी वालदा का भी है, बहुत सफेदार खातून, बहुत ही टैलेंटेड, वो खुद लिखती भी हैं, राइटर हैं, तो उनको पता है कि अपना इन सब चीज़ों की कोई वो नहीं कि लैंग्वेज क्या है या कौमियत क्या है, तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया हम दोनों को, और काम के लिहाज से, तभी मैं मेरे ख्याल से अब तक मैं काम कर रही हूँ। तो कॉमन चीज़ें कौन सी हैं आपस में, जो या ऐसी बातें जिनमें आपस में इख्तलाफ आते हैं? एक ही तरह के शौक़ हैं, एक ही तरह के पसंद हैं, और वही म्यूज़िक सुनते हैं, वही मूवीज़ देखते हैं, वही ड्रामे देखते हैं, वही दोस्त हैं सारे जो आर्ट के हैं, और इनके मेरे सब कॉमन फ्रेंड्स हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। हर किसी को पता है कि किसकी क्या कमज़ोरी है, किसकी क्या बात है, कौन किससे क्लोज़ है, बच्चों को भी सब पता है, मतलब हर चीज़ बड़ी
मिक्स हुई हुई है, कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि मैं इनसे कुछ छुपा रहा हूँ या मुझसे कुछ छुपा रही हूँ। हर चीज़ हमारी, हर चीज़ बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई है। बच्चों के साथ भी यही हमने रखा हुआ है, फ्रेंडली। स्टूडियो में जब तीन आर्टिस्ट होते हैं थोड़ा सा होता है, नहीं अब आधा मेरे को भी शामिल करें, चार आर्टिस्ट, दो सिंधी, दो उर्दू स्पीकिंग और आधा सिंधी, मतलब जो भी। हम आए तो एक ही सूबे थे और ये इत्तेफाक की बात है कि तीन तो आप कंप्लीट आर्टिस्ट हैं, थोड़ा बहुत मैं भी हूँ और मेरे भी घोड़े की तस्वीर आपने देखी होगी घर में लगाई है। तो बहरहाल अब ये तो जिंदगी का हिस्सा है और अब आप यहाँ खुश हैं, वहाँ खुश थे। हम अब माशाल्लाह टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है तो बच्चे भी ज़ाहिर बात है यहाँ पर, उनकी असल में जो उनका हमारा जो गोल था कि उनकी जो यूनिवर्सिटीज़ वगैरह यहाँ पढ़ाई अच्छी जगह और हर तरह से उनका हो जाए, ज़ाहिर बात बच्चे जहाँ खुश होते हैं माँ बाप भी वहीं खुश होते हैं। लेकिन ये कि एक मैगनेट है जो कि आपको खींच रहा होता है, जो आपका मुल्क होता है, जहाँ आप छोटे से बड़े होते हैं, तो वहाँ बहुत खुशी मिलती है, राहत मिलती है, इसलिए सब कुछ वहीं है। तो कुछ अरसा यहाँ रहते हैं, कुछ अरसा वहाँ रहते हैं, इसी तरह से बस। वहाँ कितनी बार कोई लूटमार हुई? अल्लाह का शुक्र है हमने, मैं कभी कहता हूँ कि मेरा कभी आज तक कोई मोबाइल अभी तक भी किसी ने नहीं छीना, ना इसलिए मजा आ रहा है ना सही। अल्लाह का शुक्र है कि अब तक हम बचे हैं, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे, हमें भी रखे, इसलिए चकमक की तरह वो कह रहे हैं ना, खींच के ला रही है वो, पता नहीं कुछ है बात वो, मैं कहता हूँ कि अपना मुल्क, वाकई अपना मुल्क अपना होता है, सही बात है। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने यहाँ भी बहुत इज्जत दी हुई है और शायद ये इज्जत हमें हमारे मुल्क की वजह से मिली। माशाल्लाह, आपने अभी तक कितनी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं यहाँ? यहाँ तो बहुत सारी हैं और मेरे रूम में भी रखी थी, एग्जीबिशन का काम जा रहा है, साइजेस इतने बड़े हैं तो हम उसको अपनी जगह पर रख देते हैं। अच्छा। तो पेंटिंग बनती रहती हैं, जाती रहती हैं। तो ये तो कलर भी बड़े महंगे हैं अभी, यहाँ यहाँ सस्ते मिलते हैं अमेरिका? मटेरियल महंगा है, बिल्कुल है, इसलिए के लेकिन ये के क्वालिटी है, आर्टिस्ट क्वालिटी की चीजें महंगी होती है, सेल अच्छी लगती है, सेल अक्सर लगती है 50%, तो काफी ऑफ मिल जाता है, उससे बड़ा अच्छा फेवर हो जाता है। तो बहरहाल आप, बड़ी खुशी हुई मुझे, आपने मुझे इनवाइट किया, ये मेरे मैं लकी हूँ, अच्छे लोग मुझे मिल रहे हैं, यहाँ लोग परेशान होते हैं, हमें अच्छे लोग मिल रहे हैं, मैं खुदा का भी शुक्र अदा करता हूँ। आप वैसे यहाँ पर लोग अमूमन, आप भी जिक्र करते हैं, जो लोग मिलते हैं यहाँ लोग हेल्पफुल बहुत हैं। मैंने ये बात नोट किया कि नए लोग आते हैं तो लोग बहुत सपोर्ट करते हैं उनको। ये एरिया कैसे चूज किया? बड़ा प्यारा एरिया है यार ये, असल में मेरी सिस्टर इन लॉ करीब रहती है तो उन्होंने हमें गाइड किया कि ऐसी जगह रहा जाए जहाँ बच्चों के स्कूल जोन अच्छे हों, एरिया अच्छा हो। वैसे तो ओवरऑल अच्छा ही है लेकिन ये काफ़ी, ह्यूस्टन में रह के आपको ना कराची की याद इतनी ज़्यादा नहीं आती, यहाँ सारे हमारे आपके सारे लोग बहुत हैं यहाँ पर नज़दीक। बहरहाल ये है कि आपको कचरा तो याद आता होगा। कचरा याद आता है बिल्कुल। चलो नहीं, ये दिखाता हूँ थोड़ा सा जी। ये पेंटिंग्स भाई, ये मैं इस वक्त समझे कि स्टूडियो है ये, इसमें इतनी बड़ी है, कितनी साइज की ये है समझे? 3x6 फिट है, बहुत ज़बरदस्त। ये आप जो बना रहे हैं ये क्या है, साइजेस पहले इधर? असल में ये कभी आपको कोई किसी की रिक्वायरमेंट होती है, कमीशन वर्क मिलता है कि भाई हमें बना के दें आप, तो वो अपने वॉल की पिक्चर हमें भेज दी उन्होंने, तो हमने उनको एक लेआउट बना के दिखा दिया कि ये पेंटिंग इस तरह से लगेगी। ये कलर देखें भाई इधर हर तरफ। अच्छा, आर्टिस्ट की जो कलर पैलेट होती है ना वो ऐसी लगती है बड़ी रफ एंड टफ, लेकिन उसमें से चीजें निकलती हैं। माशाल्लाह जबरदस्त पेंटिंग्स हैं, जबरदस्त स्टूडियो। ये सही किसका बना रहे हैं? ये अभी मेरी काम चल रहा है, इंडिया आर्ट फेयर में पेंटिंग जाएगी मेरी, इंडिया आर्ट फेयर में जी, तो उसके लिए एक बड़ा पीस। आप खुद भी जाएंगे या पैसे भी? नहीं, मैं क्योंकि वो वीजा के जो इश्यूज होते हैं उसकी वजह से मुश्किल हो गया, इस वजह से मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन मेरा काम जाएगा। ख्वाहिश है कि आप जाएं? जी है तो सही, जब अमेरिकन पासपोर्ट हो जाएगा तो फिर शायद अप्लाई करेंगे। उसके बाद भी नहीं, आर्टिस्ट को भी नहीं देते क्या? पता नहीं, आजकल जो हालात चल रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा मुश्किल। यार क्या करें भाई, मोदी को अल्लाह ही समझाए। ये वहाँ जाके अब ये फाइनल होगी ना? नहीं नहीं, अभी काम चल रहा है इसके ऊपर। अच्छा, जब काम फिनिश हो जाएगा उसके बाद फिर मैं ये तो आप सिगरेट वाली ज्यादा तस्वीरें बनाते हैं जी? अच्छा अच्छा, ठीक है, जबरदस्त। अभी सही थोड़ा घर का टूर करा दें और बाकी जो दीवारों पे तस्वीरें हैं वो भी बताएं। ये न्यूयॉर्कर मैगजीन है, अमेरिका में बहुत बड़ा मैगजीन है ये, उस पे ये इनका ये काम जो है ये प्रिंट हुआ था। ये अच्छा, न्यूयॉर्कर मैगजीन में इनका काम ये प्रिंट हुआ था, एक कोई स्टोरी थी। अच्छा। उस पे इन्होंने बना के दिया था, ये इनकी समझे बड़ी अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अखबार है और ये इनको उन्होंने अप्रोच किया खुद से, फिर एक स्टोरी दी उस पे उन्होंने काम किया। ये भी एक पेंटिंग है, ये इनका लंदन में कोई एग्जीबिशन हो रही है उसके लिए तैयारी चल रही है। मतलब नीचे वाला काम ही नहीं है, ऊपर ऊपर चल रहा है। गुलबर्ग में, जोहर में और इसमें नहीं, ये सिर्फ लंदन इंडिया। अच्छा, माशाल्लाह जबरदस्त। ये हमारे लिए फखर की बात है कि हमारे आर्टिस्ट कहाँ कहाँ तक उन्होंने। जी हाँ, ये अच्छी बात है बिल्कुल, कि
अब ये जैसे अभी बिल्कुल उनका ज़्यादा टाइम शुरू उनका थोड़ा सा हुआ, लेकिन उसके अलावा गैलरीज जो हैं यहाँ की गैलरीज खासतौर पर वो इनको बड़ा टाइम दे रही हैं। अभी अलबामा में जो एग्जीबिशन हुई बड़ी अच्छी रही, बहुत कामयाब एग्जीबिशन गई इनकी। ज़बरदस्त। ये आपका किचन है? जी हाँ, ये किचन है। बिल्कुल भाई, देखें माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है, एक अट्रैक्शन है घर में, सिंपल सा। पीछे लान भी होगा मेरे ख्याल में, लॉन है ना? सही, बिल्कुल बिल्कुल। दिखा दें हमारी कॉम को, क्योंकि मैं जो ना ग्रीनरी का बड़ा शौकीन हूँ। अच्छा, इतना अभी तक तो कोई ऐसा माशाल्लाह, ये अभी अंधेरा है भाई, लेकिन देखें कितना बड़ा लान है। और ये देखें, बहरहाल तो ज़बरदस्त, आज मेरा दिन सजाया हो गया। कल भी सही था, अभी भी सही है, और ऐसे ऐसे प्यारे लोग मिल रहे हैं, अच्छे लोग मिल रहे हैं। हमें बड़ी खुशी हुई, हम जब से कल हम ढूंढे एक साई, कहाँ मिले थे हम? वॉलमार्ट में। मैं भी शॉपिंग कर रहा था, ये भी कुछ ले रहे थे, और वहाँ आमना सामना हुआ तो फिर हमारी बात हुई, तो फिर मैंने और रहे भी चार मिनट में, बिल्कुल करीब है, बहुत करीब, रोड बस बीच में एक है, उसके उस तरफ आप रहते हैं, इधर हम रह रहे हैं। अरे 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 बाबा, मेरी बेटी बहुत प्यार करती है। हाँ हाँ हाँ, उसको मना है नहीं, मैं उसको जानवरों से एलर्जी हो जाती है। हाँ, नहीं मेरे साथ इशू नहीं है, बिल्ली को नहीं इशू हो जाए। मेरे पास वहाँ जो है ना एक बिल्ला, मैंने वो तो जंगली है, लेकिन उसकी सारी खिदमत चाकरी मैं करता हूँ। अच्छा माशाल्लाह, ये आपने दस्तरखान सजा दिया है। और सिंह, ये दाल है और कुछ फिश बनाई आपके लिए, पाए हैं। अच्छा, ये फिश कौन सी अपनी? मीठे पानी वाली? मैं तो वैसे मैंने हालांकि कहा था कि चाय पे कचहरी हो जाएगी, खाना किया है, लेकिन मैं खाना खा के भी आया हूँ। नहीं, आपकी बड़ी मेहरबानी है। हम तो आप बैठे सही हैं सर? बस आप बैठे ना, भी खाना वगैरह खा लिया, और आरिफ साहब से भी गुफ्तगु हो गई अच्छी खासी, और बहुत ज़्यादा मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम ये सारा मिलता रहता है। आप दोस्तों की वजह से, आप लोगों की प्यार की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो रहा है। तो अभी मेरे ख्याल रात भी हो चुकी है, और इस व्लॉग को मैं यहाँ ख़त्म करता हूँ इनके इस आर्टिस्ट घराने में, और उम्मीद है हम नए व्लॉग में मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।